तो भाई लोगों को मुझे पता है तुम आज GTA 5 की वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सस्ता लो कि भाई इन GTA 5 पार्ट 3 लेकिन यार वो नहीं आ सकती क्योंकि वो रॉकस्टार एडिटर से एक्सपोर्ट ही नहीं हुई। और यार मुझे पता भी नहीं हो कब आई क्योंकि उसे रॉकस्टार एडिटर से एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे ओरिजिनल वाला GTA 5 चाहिएगा। मैंने खरीद तो रखा है वो लेकिन अभी तक मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पाया। मैं डाउनलोड से जब कर पाऊंगा जब वाईफाई होगी मेरे पे उसका तो हिसाब किताब मुझे अभी जल्दी से लगता नहीं क्योंकि जियो वाले के नेटवर्क मुझे नहीं पता इजनम में आएंगे नहीं आएंगे ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा पूरी जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए वो वाला एपिसोड भी लाने की लास्ट वाला लेकिन थोड़ा सा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अभी हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन नहीं तो मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा ऐसा गेम बुली। तो मैं तुम्हें सबसे पहले इस गेम के बारे में बताऊँ थोड़ा सा। तो ये है पहले नहीं तो बात स्कूल टाइप का गेम है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को स्कूल वाले गेम में काफ़ी ज़्यादा मजा आता होगा। वैसा भी नहीं है सस्ता सस्ता सा स्कूल टाइप ना ना फुल भाई लड़ाई झगड़े दंगे भाई जो तुमने जितनी हरकत करी होंगी ना स्कूल में उससे ज़्यादा ये बंदा करता है इस गेम में तो जिंदगी का मजा आने वाले तुम्हें। तो यार पहले मैंने इस गेम को खेला था काफ़ी टाइम पहले तो यार मुझे बिल्कुल उस टाइम तो खैर मैं स्कूल में ही था तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था रिलेटेड सा ठीक है जिनका स्कूल ख़त्म हो गया उन्हें ऐसा लगा ऐसे भाई अपने वापस से स्कूल टाइम में चले गए हो और जिनका स्कूल अभी चल रहा है उन्हें तो भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब तुम्हें ऐसे ऐसे नए नए तरीके मिलेंगे ना स्कूल में ऐसे ऐसी हरकतें करने का पता लगेगा किसी ने सोची नहीं होगी। तो वीडियो पूरी देखना और मजा आएगा इसमें काफी ज्यादा। क्या स्कूल जैसा ही लग रहा चलो यार टिकटॉक स्टाइल शक्तिमान खैर बढ़ते हैं गेम की तरफ। तो सबसे पहले आगे बुली का लोगो बुली स्कॉलरशिप एडिशन और ये क्रैक वाला वर्जन है मैंने स्ट्रीम पे खरीदा नहीं है सर ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे आ चुका है अपना पहला सीन और सड़क दिखाई दे रही है रॉकस्टार गेम्स से बना था बताया बोल दिया था मैं रॉकस्टार गेम्स का गेम है तो मजा आने वाला है तुम्हें दबा के ठीक है बदमाशी होगी फुल और वो भी स्कूल में। जेम्स यार ये इसकी जो टोन है ना काफी बढ़िया लगा मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक। लाइक आई सेड बिफोर जिमी प्लीज बी नाइस टू योर न्यू स्टेप फादर। ये क्या क्या चल रहा है भाई स्टेप फादर यहाँ भाई मैं सही बताऊँ कुछ okay, गलत हो जाएगा अच्छा हुआ है हॉस्टल में पहुँच गया। ऑल राइट तो भाई हम अपनी एकेडमी में आ चुके हैं बुलवर्थ एकेडमी और अभी तक हमें पता लगा है कि जो हमारे जीवी भैया हैं यानी कि जो मेन कैरेक्टर हैं वो अपने बाप को पसंद नहीं करता वास्तव में इसका बाप है भी नहीं स्टेप फादर है ठीक है तो कौन नहीं पसंद करेगा खैर इसलिए इसकी जो रियल वाली मदर है मदर इसकी रियल है तो वो इसे छोड़ के जा रही है इसमें बुलवर्थ एकेडमी में ये एक बोर्डिंग स्कूल टाइप है। फोनी व्हाट इज रॉन्ग विद यू आई कांट बिलीव दिस वेलकम टू बुलवर्थ एकेडमी। अच्छा पहले से ही बता दिया था ना कि भैया होपकिन भैया आने वाले हैं होपकिन एनालिसिस का नाम जेमी होपकिन ओके हिज स्टडी इज ओवर वैसे तो इसका यही हिला है के ऐसे जो मतलब यहाँ बुलवर्थ एकेडमी में लौंडे आए हैं उनका वेलकम करना लेकिन इसे किसी को खुश भी कर ब्रिलियंट एक सेकंड इसका प्रिंसिपल का शायद कुछ सीन चल रहा है भाई हो क्या रहा है यहाँ पे लौंडे का स्टेप फादर है इसका प्रिंसिपल का सीन चल रहा है यार मतलब। तो खैर हम आ चुके हैं अपने स्कूल में गेम में। वैसे यार एक सवाल है मेरा मेरी एक बात नहीं समझ में आती अगर मान लो किसी की रियल वाली मदर ने किसी और से शादी कर ली ठीक है तो उसका स्टेप फादर हो गया अब फिर मान लो उसकी मदर बन गई फिर उसके जो स्टेप फादर है उसने किसी और से शादी कर ली तो उसकी स्टेप मदर होगी तो एक तरह से देखा जाए तो उसके मदर फादर हुए लेकिन असली में तो उसके अंकल आंटी हैं क्योंकि वो मतलब खैर गेम की तरफ बढ़ते हैं। Look familiar? You're in so much trouble. वे तुम्हारी गाड़ी में क्या अंकल है भोसड़ी वालों लड़े ले ले बेटी चोद प्रोटेक्शन फीस चाहिए सब चूती है वो खैर हम सामने चलते हैं और भी हमें प्रिंसिपल से जाके मिलना है ठीक है। Yes, so you must be Hopkins. भाई सब जानते हैं आने से पहले ही ऐसा भी क्या रुकता है भाई vandalism graffiti bad language violent conduct disrespecting staff oh I'm scared of you Hopkins come on give me a break yes oh, I've never met a boy like you cuz it's my calling it's what I do you excel at causing trouble and I excel at fixing little boys like you at making you into respectable members of our community here at the academy Oh. I've got a good feeling about you, boy. A feeling. Yes, headmaster. अरे प्रिंसिपल की चेली. And I got your tea. जो गेट पे लोंडों को भर्ती कर रहा है. Remember, you will have a clean nose.
So keep it clean, or we'll clean it for you. क्या? ये नाक साफ करने का भी काम कर तो मैं तुम्हें बताऊं अभी तक हुआ क्या था ठीक है प्रिंसिपल ने हमसे कौन से अच्छे शब्द कहे ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ तो हुआ ये कि भाई हम गए थे प्रिंसिपल के पास तो वो हमें पहले से जानते था पता नहीं कैसे लेकिन जानता था और यहाँ तक कि उसके पास हमारा पूरा बायोडाटा भी था तो उसके हिसाब से ही मुझे तो क्योंकि इसकी हिस्ट्री में सही से पता नहीं है लेकिन उसी के हिसाब से हम पहले जिस स्कूल में थे वहाँ पे हमने दबा के उल्टी सीधी हरकतें करी ठीक है गालियाँ बाकी लोगों को और मास्टरों को बकचोदी करी और बहुत कुछ करा तो ये कौन चमन चूती है अच्छा तो लड़ना है ले 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 अरे तेरी All right. Yes, yes, yes. Oh, भाई, गुटी गुटी बजा दी भाई सब भर दिया इसमें तो घुस भर दिया अरे यार एक सेकंड एक सेकंड दांत मार दी बढ़िया ले 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 तेरी बहन तो ले 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 ओ भाई भर दिया इसमें तो दबा के ओम नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगा बेटा हाँ बता बता तुझे बनाऊ मैं कोई साले कोई कुछ हो रहे भाई साहब ये मतलब बकचोदी करते लोंडे आते ही फालतू की इसकी तो गांड तोड़ दूंगा अबे क्या है भाई टाइटेनियम का एक है बंदा इतने से पिटे जाने से कुछ हो नहीं रहा अबे हड्डी पसिया लग हो जाती भाई इतनी देर में किसी आम आदमी की ले ले हाँ तो खैर से बातें बातें मैं तुम्हें बताऊँ प्रिंसिपल के साथ सीन क्या हुआ क्योंकि ये भाई टाइटेनियम का है ठीक है ये नहीं टूटने वाला ही इज वेरी वेरी है तो प्रिंसिपल के पास वहाँ पूरा बायोडाटा था उसने कहा कि तुम बड़े बकचोद आदमी हो ठीक है और तुमने मास्टर को गाली बकी बच्चों को गाली बकी ठीक है वो तो दवा से बकचोदिया करी अपने पुराने स्कूल में तो मैं तुम्हारे को अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ हमें भाई जन कुछ लगा हमने कही कि भैया हमें नहीं पता तुम हो सकता है चूते वूते हो थोड़े बहुत जो अपना टाइम बर्बाद करो हमारे ऊपर भेजो मजे से घर फिर भाई सब क्या बोलते हैं ये मेरी ड्यूटी है तुम जैसे लोगों को ठीक है तुम जैसे लोगों को एक समाज का रिस्पेक्टेड इंसान बनाना भाई छोड़ दो यार ऐसी ड्यूटी कोई जरूरत नहीं है कोई नहीं फोर्स नहीं करना कोई ठीक है खैर अभी तो वो कह रहा है कि हमारी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है अच्छा तो बहुत देर तक गांड तोड़ने के बाद इसे फाइनली नॉकआउट कर दिया गया है लग चुके हैं इस बंदे के सही बता रहा हूँ मैं ठीक है नाक वाक फोड़ दी इसकी ढंग से खैर You're dead, new kid. Dead. अबे मोटी गाड़ी। Hey, break it up. That's enough of that. यो आगे मास्टर। Break it up. Why are you not in your uniform, young man? मेरा जी। Go change immediately. चला जाओ वो सड़ी गई तेरी भी तोड़ दूँगा। Ah, come on. तो ये एक चिपकू लौंडा है ये अपने से बेमतलब चिपक रहा था और हमारी इच्छा नहीं थी यार किसी चिपकने की ठीक है वह इसकी बहन पर लौटा अरे बेटा कहाँ है तो ये कह रहा था कि भाई हम इस देश के सबसे टफेस्ट स्कूल के अंदर आए हैं और हमें यहाँ पे दोस्तों की जरूरत होगी और मैं तुम्हें अपनी दोस्ती ऑफर कर रहा हूँ तो एक चिपकू चूते की दोस्ती एक्सेप्ट करनी थोड़ी चाहिए थी लेकिन फिर भी कर लिए कि चलो खुशी से तो कुछ सही कोई तो दोस्त हो ही टाइम का सीन सही है इन्होंने वो टाइम वाई वाली बकचोदी कर रखी ठीक है ना पता है बालक क्या कहते हैं नीचे लटका रखेंगे सर तो हटा दो कोई जरूरत नहीं है
ये जो लोंडा है ना, ये इसका नाम तो गैरी है, हरी जैसी वाले का, और ये जो है नीली जैसी, ये है मतलब हमारे से अलग दूसरा जो नीली जैसी है, ये है सबसे चूचा लड़का इसी स्कूल का। तो अभी ये अपने से फालतू की बकचोदी पे गए हैं। जो फ्री की एडवाइस होती है वही दी गई अभी हमें, वो भी बहुत अच्छे से, जिसके में कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो भाई लोग ये है अपना स्कूल, उधर तो था हॉस्टल इधर की साइड पे, ये स्कूल है अपना। हाँ, ये तो लोडू है जो क्या क्या लड़ने को आया था उस टाइम। बेटा आवाज़ ये सामने कान तोड़ दो, तो देखिए लड़ना है किससे भी। वे माफ़ी क्यों मांगे भाई, कैश लंड ले ले, कैश मांग रहे बहन का लोड़ा। वह कैश पत्ते गुठ दे इसके मुँह पे। अबे यार कैश देना पड़ेगा बहन को, अभी चूतिया है। ठीक है, ताकत नहीं अभी गांड देती। गोटे फोड़ दे इसके साले के, इसकी माँ की चू। पहले तो उसकी गांड तोड़ूंगा, बाद में कुछ और तोड़ूंगा। सही बता रहा हूँ। हाँ तेरी गांड में जाए, लूने गांड चलूँ। हाँ बता बता भाई, कुछ दिक्कत विक्कत है क्या? हैं नहीं बता दे, हो तो अस्पताल पहुँचा देंगे हम, उठाएंगे अस्पताल का खर्चा। ठीक है, दिक्कत विक्कत नहीं मारनी किसी को भी। चल मार, चलो मैं ही कर देता हूँ। अच्छा तो हम क्या करेंगे भाई, उसने हमारे से पैसे लिए ना, तो हम उसकी तिजोरी में से सामान चुरा लेंगे। और ऐसे धीरे धीरे आराम से आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है इसको, और ताला टूट जाएगा। अब भाई जो आगे मास्टर, भागो भाई भागो, वो उसके पीछे पड़ गया दूसरा लुंडे के पीछे, हम बच गए अभी। वो भाई डस्टबिन में फट गए। क्या भाई हिटमैन है क्या तू, डस्टबिन में फट रहा है, है? अभी भाई निकाल के बंदूक का पटाख से हेडशॉट मारेगा मास्टर के। ये तो भाई ज्यादा खतरनाक गुंडा। इसमें क्या है भाई, हम किसी को मार नहीं सकते, मतलब ऐसा सच, मतलब उठे वजह से जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन गेम ओवर नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि स्कूल वाला गेम है। ठीक है, इसमें क्राइम है, लेकिन इतना भी मतलब गेम ओवर नहीं कर सकते किसी का स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे मिर्जापुर नहीं चल रही, जहाँ पे कॉलेज में भाई गोल गोल कर दिए जाते हैं, ऐसे मिर्जापुर से कम भी नहीं है। अब इसकी आवाज कैसी यार, खतरनाक सी भाई, किसी की फट जावे इसकी आवाज सुन के। दरअसल की बहन है के भाई, मतलब ऐसे इसकी चॉकलेट ले जा भी कौन सकता है भाई, हड्डी पर से तोड़ देगी इसकी। पहलवान है फुल एकदम। हाँ भाई तू पहले अपनी हड्डी पच्ची की टेंशन तो कर लेता, बच्चा उसने मेरे से कह दी जिंदा तो बच जाएगा। वो भाई ऐसे कहती ना पीछे चलता खत्म पापड़। चल भाई माल दे भैया, दरअसल भैया की दीदी के पास जाते हैं, हो सकता है सर भी थोड़ा खुश हो जाए, क्योंकि उसकी बहन की मदद करी हमने चॉकलेट लाने में। ठीक है, वैसे ही ओबेसिटी की शिकार है वो, चॉकलेट खा के। तो मतलब क्या भाई, सुबह पहलवानी में जाना चाह रही है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेकआउट करने को कह रही है। अरे 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 हड्डी पसी टूट जाएंगे इसकी बेचारे की, गरीब आदमी। भाई चार पसी टूट चुकी है इस बंदे की। ठीक है, गले लगने से ही। Over there we got the nerds. Of course they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. ये हरे कोट हरे स्वेटर जो हैं चूचे लड़के हैं। They're all money and condescending attitude. Yeah, जो नीले वाले मालदार आदमी हैं। Completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with. ये at least not yet. बाहुबली टाइप आदमी, तगड़े आदमी। ठीक है, and last but not least the jocks, these guys rule. ओ भाई ये जो है नीले स्वेटर, whatever, I'm not afraid of some dumb roid. ये थोड़े से खिलाड़ी टाइप है, और ये कुछ ज्यादा ही कुंफू मास्टर टाइप के लोंडे हैं। ठीक है, तो इनसे अगर लड़ाई बच गई तो हड्डी पसी अलग कर सकते हैं। तो अभी इसने हमें बताया कि इस स्कूल के अंदर कैसे कैसे लोंडे हैं और हमें उनके साथ कैसे कैसे रहना है। तो नीले कोट, तो नीले स्वेटर के साथ तो बिल्कुल ही पंगा नहीं लेना। ठीक है, नहीं तो हड्डी पसी अलग कर देंगे।
जो जैकेट वाले हैं वो इतने खतरनाक नहीं है, वो खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े से ताकतवर हो गए कुंग फू कराटे सीख लिए तो हम भी उनसे पंगा ले सकते हैं आसानी से। जो हरा स्वेटर है वो एकदम चूते लड़के हैं, उनकी मारो भाई पेल दो, ठीक है उनके गोल का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई लोग आज के लिए हमने काफ़ी कुछ कर लिया, काफ़ी ज़्यादा मजे लिए, एक नया गेम ट्राई करा, स्कूल का गेम है, और भाई स्कूल में सही बताऊँ मुझे तो काफ़ी मज़ा आया स्कूल वाले गेम्स में, और पूरी आशा मुझे कि तुम्हें भी इतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया, जितना मैंने इसे इन्जॉय करा खेलते हुए। और यार जो तुमने सपोर्ट दिखाया ना भाई पिछले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में, भाई यार उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब क्या यार दिल से अच्छा लगता है भाई, ऐसी सपोर्ट दिखाते हो यार पूरा मजे लो भाई, मैं भी खुश तुम भी खुश, सपोर्ट दिखाओ भाई, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार जैन सिम्युलेटर की और भाई रॉकी भाई GTA 5 वाली वीडियोस पे जो तुमने सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बुली पे भी इसी तरह का सपोर्ट दिखाना है, ठीक है, और हम तो मिलेंगे अगली वीडियो में।